नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कौन? सर विजय शंकर त्रिपाठी बोल रहे हैं सर, सारे शिक्षा निदेशक सर गोंडा से। सर बताइए। आपसे सर बहुत देर से जो है सर आपके मतलब बात करना चाहते थे जो है सर, बहुत परेशान थे हम लोग जो है। हाँ बताइए। तो सर वही सर इसीलिए सर फोन कर रहे थे जो है कि सर से बात हो जाए तो कम से कम सर जो है मतलब कुछ तो बताएंगे सर क्या हम चीज? लोग सर हम लोगों के बारे में। पहले आप तो बताइए अपने बारे में, आप कौन हैं? सर विजय शंकर त्रिपाठी बोल रहे हैं, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। जी अनुदेशक हैं। अच्छा, सर। तो अनुदेशक में क्या पढ़ाते हैं? सर बीपीएल थे हम सर, खेल से हैं। अच्छा, बीपीएड वाले हैं, खेल जी शिक्षा। सर। जी सर। आप एक से बताइए, यूपी के अंदर जो जूनियर स्कूल हैं, आज तक इनमें खेल शिक्षक की भर्ती निकली है परमानेंट? नहीं सर। क्योंकि परमानेंट का जो है अभी पद ही नहीं बनाया गया है यहाँ पर। जी सर। जी सर। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, जी 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 सर देखे हैं सर, पीडीएफ आया था उसमें? मतलब उसमें तो सर मतलब वो है सर हम लोगों का जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है सर, सर उसमें जो है सर हम लोगों का सर विषय जो है सर मुख्य विषय माना गया है। जी हाँ, अब जो है चाहे जी वो खेल हो या फिर कला हो या जी कंप्यूटर या फिर म्यूजिक जी या क्राफ्ट, ये जी सारे सब्जेक्ट्स जो है कंपलसरी जी हो जाए जी सर। तो इन सब की क्लास चलेगी। और आपने देखा है कि खेल के साथ साथ योगा भी आ गया है। जी सर बिल्कुल सर। ये सारी चीज़ें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं कि ये जी सब अब सर। चलेगा। जी सर। तो पहला तो ये सब चलेगा, तो इसका मतलब है कि इन सब के जो है टीचर रखे जाएंगे। जी बिल्कुल सर। और संविदा खत्म करना है, तो इसका मतलब है कि टीचर जो रखे जाएंगे वो परमानेंट रखे जाएंगे। अब जी सर। तो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि जी सर। इन विषयों की पढ़ाई होगी और परमानेंट टीचर पढ़ाएंगे। जी जी सर। तो इसी से निकल करके ये भी आता है कि इसका मतलब है परमानेंट टीचर की भर्ती भी होगी, जी सर। जो अब तक कभी नहीं होती आई है। जी सर। चूंकि जो सिस्टम पहले का चला आ रहा था, अलग जी अलग सर। राज्यों में अपने अपने सहूलियत के हिसाब से जो है आप सरकारें, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर। हाँ सर, कलवा होल्ड हो गया था। होल्ड दब गया था आपका। जी तो सर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें जो है वो अपने सहूलियत जी के हिसाब से व्यवस्था चला रही थी, जी सर। विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अभी जो गवर्नमेंट है ये पूरे भारत में जी सर। सारा सिस्टम एक जैसा कर रही है, शिक्षा प्रणाली एक समान कर रही है, पाठ्यक्रम एक समान कर रही है। जी सर। जी सर। तो सभी राज्यों में जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है सब कुछ हो रहा है। जी। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि टीटी देख लीजिए, सेंट्रल भी करा रहा था और राज्य भी करा रहा राज था। भी करा रहा था। सही है सर। आप जब राज्यों का उठाकर देखेंगे, ऐसे भी कुछ राज्य जहाँ 2 ही वर्ष वैलिड है, जी जी बिल्कुल आज सर। भी है, अभी चेंज नहीं हुआ, आज भी 2 ही वर्ष है उनका, सिर्फ 2 वर्ष बाद फिर से देना जी पड़ता है। और यूपी जी का आप जानते हैं यहाँ 5 वर्ष था। जी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन था और जो नियम था वो अधिकतम 7 वर्ष का था। जी सर। तो उसको केंद्र सरकार ने चेंज करके पूरे भारत में एक समान कर दिया कि लाइफ टाइम सब आजीवन रहेंगे। एक बार किसी ने पास जी कर जी लिया तो हाँ वो तो सर वो हमेशा। हमेशा के लिए सर रहेगा। जी सर। अच्छा, अभी और एक परिवर्तन आप देख रहे होंगे या दिखेगा, अभी यूपी के अंदर तो नहीं दिख रहा है लेकिन बिहार में हो चुका है, वो जी ये कि उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र जो है सीटेट हर वर्ष 2 बार कराएगा, जी राज्य अपने चाहे तो इसी को लागू कर सकता है, अन्यथा वो अपने यहाँ भी करा सकता है। जी सर। यानी कि वो चाहे तो अपने यहाँ कराए, ना चाहे तो केंद्र का ही लागू कर ले। हाँ लागू कर ले। सही है सर। तो इसी को जो है बेस बना करके बिहार ने अपने यहाँ टेट बंद कर जी दिया। जी अब वही जो है धीरे धीरे सभी राज्य करने जा रहे हैं, और यूपी में भी उम्मीद है कि हो सकता है अगस्त में घोषणा हो जाए। अच्छा सर। जो जानकारी मिल रही है अगस्त में घोषणा होने की संभावना है। वो डिपेंड जी करेगा वो कि यहाँ पर कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कितने टेट अब तक कैंडिडेट पास हैं, वो गिनती देखने के बाद जी तय किया जाएगा कि इसी बार कर दिया जाए या एक टेट और एग्जाम करा के कराया जाए, लेकिन होगा जी बंद ये कन्फर्म है। लेकिन और सर जैसे सर सर जैसे एक मिनट सर, सर जैसे जो हम लोग सर जो है खेल शिक्षक हैं तो खेल शिक्षक के लिए जो है मतलब उसमें तो सर कोई टीचर सर है ही नहीं।
बता रहे हैं, सर। बता रहे हैं, हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, इसलिए कि चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाए जी जी और बिल्कुल आगे सर। क्या होने जा रहा है वो एग्जैक्टली जब गवर्नमेंट घोषणा करेगी तभी पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझा जाए और अपने लिए क्या जो है रास्ता उसको जो है देख करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिला करके जो परिवर्तन हो रहा है जी वो सर ऐसा किया जा रहा है कि जो विवाद बनते थे, तरह तरह के संगठन बने हुए हैं, तरह तरह के धरना, कोर्ट कचहरी, ये सब होता है, ये सब खत्म हो। लोग जो है पढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो जो है अपने कम मानदेय के कारण या कम जो भी वेतन के कारण जो है परेशान है, कोई और कार्य कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तो चाहे आप हो चाहे अन्य कोई भी शिक्षक हो, उसका ध्यान नहीं, कहाँ सही होना है सर, चाहिए सही बच्चे है की सर। पढ़ाई पर। तो गवर्नमेंट अब ऐसा कर रही है कि टीचर जो है फ्री माइंड हो और सिर्फ वो पूरा फोकस करे शिक्षा पर, जी सर इसीलिए संविदा खत्म कर रही है कि जो 5-10 हजार वाला सिस्टम चल रहा है ये खत्म हो करके जी पूरा वेतन मिलेगा। तो कम जी से सर कम अगर 25-50 हजार रुपये शिक्षक कमाता रहेगा तो उसको अन्य तरफ नहीं देखना होगा कि कुछ और ट्यूशन पढ़ा लें या कुछ कर लें, वो पूरा ध्यान जी देगा स्कूल ऊपर। जी सर तो ऐसा नहीं है कि हम आप ही सोचते हैं, वहाँ जो बैठा हुआ है, जो नीतियाँ तैयार करता है, वो भी सब जानता है, सब देखता है, समझता है, वो भी सब प्लान करता है उसी हिसाब से। बस ये था कि मनसा कैसी है, इसके पहले लोगों की मनसा नहीं थी, अभी है तो गवर्नमेंट कर रही है। अभी आपने न्यूज़ जी पढ़ा होगा त्रिपुरा वाला कि वहाँ पर हाँ कुछ हाँ सर साल, देखे थे, हाँ सर देखे थे। हाँ, इस वर्ष 3,000 के आसपास टेट पास हुए हैं, पहले के भी टेट पास हैं, और वहाँ पर उन लोगों ने भी जो है जब गवर्नमेंट से बात किया तो गवर्नमेंट ने स्पष्ट बोल दिया कि हम चरणबद्ध तरीके से दुर्गा पूजा तक कर लेंगे। तो वहाँ तो स्पष्ट बोल दिए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिपुरा में हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ बीजेपी है उन उन राज्यों में, आप हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो भी बीजेपी शासित राज्य है उनमें कुछ न कुछ नया होते दिख रहा होगा आपको। जी सर तो हर जगह अलग अलग राज्यों में कुछ न कुछ हो रहा है, जिस राज्य में जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके आधार पर जी जहाँ सर पर आसान है जो चीज़ पहले करना वहाँ पर वो चीज़ पहले हो रहा है, होगा सब जी जगह, आगे पीछे सब जी होगा। उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों को स्थायी कर दिया गया। जी सर हाँ हाँ सर वो न्यूज़ सर आई थी सर, देखे थे जो है। अब जो है शिक्षा मित्रों का कहना है वहाँ कर दिए यहाँ क्यों नहीं किए, भाई जैसी स्थिति जहाँ की होगी उसके हिसाब से आगे पीछे सब जगह होगा। जी सर तो उत्तराखंड का हो गया है, अब वही चीज़ यूपी में भी होने जा रहा है। अब हम बता रहे हैं यूपी में होने जा रहा है तो लोग मानने को तैयार नहीं है, खैर आएगा समय। अब नहीं आते सर, हैं जो है अब, सर हम लोग जो है सर मतलब आपकी बातों को सर हमेशा सर सुनते हैं सर। आपका चैनल जो है हमने सर सब्सक्राइब कर रखा है अच्छा। सर, जैसे कोई सर वीडियो आता है सर तुरंत सर उसको देखते हैं। और सर ये भी सर विश्वास है, मतलब सर पूर्ण विश्वास है कि सर मतलब आपकी बात के ऊपर कि आप सर जैसा कह रहे हैं और सर जैसा कहते चले जा रहे हैं सर वैसा होते ही जा रहा है। हम कुछ अलग से नहीं कहते हैं, जो भी चीजें घटित हो रही हैं, नहीं जो नहीं बिल्कुल भी सर, हित में समझ है रहे हैं सर आपकी बात उन्हीं को पर हम। चर्चा करते हैं, जी ठीक है। आपको एक चीज पता होगा, आपके आसपास जो बुजुर्ग लोग होंगे कभी न कभी सुने होंगे आप जी कि आंधी तूफान जब आता है उसको बैठ कर जी बिताना चाहिए, है ना। जी जी सर बिल्कुल सर तो जो समझदार व्यक्ति होता है आंधी तूफान में बैठ जाता है और धैर्य रखता है, इंतजार करता है खत्म होने का, जी और अज्ञानी व्यक्ति उसमें इधर उधर हाथ पैर मारता है और फिर आंधी तूफान में उसका क्या होगा वही जानता है। नहीं, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। तो वही चीज है कि स्थिति परिस्थिति क्या है वो बताया जा रहा है, समझदार व्यक्ति जो है समझता है, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो धरना में लगा है, सांसद, विधायक, मंत्री, फलाने ढिकाने को ज्ञापन दो, ये करो, आज तक बताइए किसी संगठन को उठा लीजिए, चाहे वो अनुदेशक का हो, चाहे शिक्षा मित्र का हो, आंगनबाड़ी का हो, बीएड का हो, बीटीसी का हो, डीएलएड का हो, कार्य शिक्षक का हो, कि कोई संगठन कोई चीज के लिए जो है दबाव बनाया हो और उसके दबाव बनाते तुरंत हो गया हो, जी सर कभी नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहे कोई रही हो, किसी भी गवर्नमेंट जी का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, क्या जी सर होता है उनको सांत्वना दे दिया जाता है और फिर गवर्नमेंट अपनी नीतियां बनाती है, अगर उनकी नीतियों में उस तरह का बजट तैयार हो रहा है, उस तरह चीजें हो रही हैं तो धीरे धीरे समय के साथ वो करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि जी किसी सर के कह देने से वो कोई चीज तुरंत कर दें। ना 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 बिल्कुल नहीं सर। अभी जैसे टीजीटी पीएचटी के जो है विज्ञापन आया हुआ है, फॉर्म भर रहे हैं, एक एक ग्रुप में हम पढ़ रहे थे, जी नाम शायद नहीं याद आ रहा, कोई अनिल करके हैं, अच्छा तो सर वो धरना वरना करते रहते हैं। तो जी एक कोई था, चाहे वो और दूसरी आईडी से लिख रहे हों या उनका कोई चमचा लिख रहा हो, जो भी,
इनके प्रयासों से ये भर्ती आई, ये भर्ती आई, ये भर्ती आई, अभी टीजीटी पीजीटी आया। अब हम क्या कहें मूर्खों को, जो लिख रहा है वो मूर्ख है या पढ़ने वाले पता नहीं मूर्ख हैं। भाई टीजीटी अरे पीजीटी नहीं भर्ती करना है नहीं करना है, शिक्षा की जरूरत है नहीं है, ये गवर्नमेंट तय करेगी, विभाग तय बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो सर करेगा। केवल केवल सर गवर्नमेंट तय करेगी। और ये जो भी अनिल हैं, अगर इन्होंने धरना वरना किया था, अगर इनके धरना से ही हुआ होता तो उसी दिन हो गया होता। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। और ये साहम इनको देखते हैं कई सालों से ये सब कर रहे हैं, और जब आ गया तो भैया हमने करा दिया। ना तो ना 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 जितने ऐसी संगठन कोई बात उंगठन, नहीं है सर। ये कोई संगठन उंगठन कुछ नहीं, सब बेकार है। बस जो जी गवर्नमेंट कर रही है उसको समझना है, और जी समझ सर करके हमारे लिए कुछ है या नहीं है उस जी आधार पर हमें आगे बढ़ना है। जी तो अनुदेशक जो हैं जितने भी, कोई जी भी सर परमानेंट नहीं होगा, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो वित्त विहीन हो, कोई भी परमानेंट डायरेक्ट नहीं होगा। जी अब रास्ते निकलेंगे, जी गवर्नमेंट सहूलियत देगी, उसके आधार पर जो हो उसमें आ रहा होगा उस प्रोग्राम में उसका होता जाएगा। जैसे प्री प्राइमरी में भर्ती होना है, जी सर प्री प्राइमरी कभी चला ही नहीं है, नया नया शुरू हुआ है, जी सर जी सर तो उसमें पढ़ाते हैं इस वक्त आंगनवाड़ी, जी जो कार्यकर्ता है वो पढ़ा रहा है। आंगनवाड़ी जी में ट्रेंड सब नहीं है, बहुत कम ही होंगे जो बीएड बीटीसी कुछ किए हों। जी बिल्कुल सर सही कह रहे हैं तो अभी उनको गवर्नमेंट भविष्य में ट्रेनिंग देगी, वो लंबी कहानी है, जी ठीक है। तो गवर्नमेंट को अभी तत्काल में चाहिए वहां पर शिक्षक, तो कक्षा 1-2 भी वहां पर प्री प्राइमरी में आ चुका है और ऑलरेडी जी शिक्षा मित्र वहां पढ़ा रहे हैं, जी तो वो एक गजट करेंगे और उस गजट में तरह तरह के छूट देते हुए जी आवेदन लेंगे। अब उसमें जो जो आ रहा होगा सब आवेदन करेगा, तो शिक्षा मित्र भी हैं ट्रेंड जी और अन्य भी ट्रेंड होंगे, तो ट्रेंड होने के नाते वहां पर, क्योंकि वहां टेट है नहीं, तो वहां टेट को बिल्कुल देना, ट्रेंड को तो लेना ही लेना है, तो शिक्षा जी मित्र सर वहां आ जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए रास्ता खुल गया। गवर्नमेंट ने 1-2 को प्री प्राइमरी में करके रास्ता खोल दिया। जी सर अब जो ये कस्तूरबा वाले हैं या अनुदेशक हैं या वित्त विहीन हैं या अतिथि शिक्षक हैं या जिस भी नाम से हैं, तरह तरह के जी नाम हैं, जी सर तो यहाँ पर भी बहुत तरह के लोग हैं। इसमें जो भी वैकेंसी आएगी उनमें जो है इनको वेटेज दिया जाएगा सिर्फ, जी बाकी जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। अब वेटेज में जैसे शिक्षा मित्रों को दिया गया है 25 नंबर, तो वैसे हो सकता जी है 25 नंबर या 10 नंबर या जो भी वेटेज जी मिलेगा। जी जी तो कुल मिलाकर के पद निर्धारित होंगे, अभी पदों का निर्धारण होना है, केंद्र सरकार फिर से करवाएगी, क्योंकि जी नया अनुपात है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसके अनुसार हर स्कूल में हर कक्षा में देखा जाएगा अनुपात। अभी तो जी शिक्षक राज्य, अनुपात मतलब सर कर दिए हैं हाँ, वो जो अनुपात आप पढ़ते हैं देखते हैं वो पूरे राज्य का रहता है जी सर शिक्षक कि पूरे राज्य में कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक हैं। हैं सर तो इस आधार पर तो नहीं होना है, जो होना है वो स्कूल लेवल पर और कक्षा के लेवल पर होना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है ये। तो अभी नया निर्धारण होना है, उसके आधार पर तब होगा। और अभी जो है जूनियर की कोई चर्चा कहीं नहीं है, जी सर जो भी है चर्चा प्री प्राइमरी और प्राइमरी की है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है दिसंबर तक या हो सकता है अगले जुलाई तक, अभी अच्छा अच्छा प्री सर प्राइमरी प्राइमरी का ही चलेगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जैसे इधर कर लेगी जो जो चीज़ हम बताते हैं, फिर वो बढ़ेंगे जूनियर की तरफ। जी सर तो जूनियर की फिर भर्ती निकलेगी, और हमारी जानकारी में जूनियर जो अभी 6-7-8 है जी सर वो आने वाले टाइम में 3-4-5 भी उसमें मर्ज हो जाएगा। अब चाहे वो जूनियर के नाम से चले या प्राइमरी के नाम से चले या किसी और नाम से चले, जी आने वाले टाइम में हो सकता है साल 2 साल 4 साल बाद जी इनका प्लानिंग है कि इसको मर्ज करना है, यानी कुल 6 कक्षाएं एक साथ चलेंगी। अच्छा, जूनियर ये में हर विषय की, प्राइमरी और जूनियर दोनों कंपोजिट हाँ हर जूनियर, कर देंगे ना। हाँ मतलब पद भी समान हो जाएगा, वेतन भी समान हो जाएगा। जी सर तो ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि जूनियर में हर विषय के अलग अलग शिक्षक देना है। अब जी हर विषय के अलग अलग शिक्षक वहां रखें और सिर्फ 3 कक्षाएं वो देखें, तो काफी जी बजट उस पे जो है भारी पड़ रहा है। जी इसीलिए कक्षा 3, 4, 5 को अलग किया गया और 1, 2 को उठाकर अलग कर दिया गया, क्योंकि जी कक्षा 3 से विषय अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। जी उनको भी कला पढ़ना है, उनको भी खेल, उनको भी म्यूजिक क्राफ्ट वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। तो जी इसीलिए अभी सर 3, 4, 5 को अलग किया गया है, 1, 2 को उठा के उधर किया गया है, बाद में तीन चार जी पाँच और 6, 7, 8 एक साथ हो जाएंगे,
तो आने वाले टाइम में जब ये मर्ज हो जाएगा, तो अभी जी तो सर, स्थिति ऐसी नहीं है, अभी तो जैसे रखे जा रहे हैं टीचर, लेकिन आने वाले टाइम में 3 से ही, कक्षा 3 से ही हर जी विषय सर, की अलग अलग भर्ती, जैसे जूनियर में निकलती है ना विषय वाइज, जी सर, वैसे ही 3 से भी भर्ती होगी, और विषय अनुसार होगा। गणित के अलग शिक्षक होंगे, हिंदी के अलग, अंग्रेजी के अलग, अलग अलग पद होंगे, और इनमें जो है जब भर्ती जी सर, निकलेगी तो जो जी भी अनुदेशक हैं, कस्तूरबा के हैं, वित्तहीन हैं, अतिथि शिक्षक हैं और अन्य जो भी हैं इस तरह के, जी सबको वेटेज दिया जाएगा। मतलब सबको जो है एक साथ परीक्षा कराई जाएगी, सबको बेटे दिया जाएगा, जो जिस परीक्षा में पास होगा उनको लिया जाएगा, अन्यथा किसी को नहीं लिया जाएगा। जी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी में सर, भर्ती की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रारूप होगा, वो जी स्पष्ट सर, रहेगा। जी सर, उस पूरी प्रक्रिया में अगर वो एग्जाम कराते हैं, एकेडमिक पर करते हैं, टेट पर करते हैं, कैसे करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जी सर, सुपर टेट का दौर आ चुका है, तो सुपर टेट मान करके चलिए कि होगा ही होगा। सुपर टेट जैसा एग्जाम जी वहाँ भी देना ही नहीं पड़े, जैसे अभी सर, एडेड वालों का हुआ है एग्जाम, जी, वैसे ही। और लाभ जो जैसे ये मिलेगा, हम लोगों का सर जो था, जैसे मान लीजिए सर, जो ये बीपीएड वाले हैं, तो बीपीएड वालों का सर जो है, जब ये सर टेट आया था सर 2010 में, तो सर जब ये टेट जब से सर आया जो है, तो टेट वालों मतलब टेट जो है इनको जो है बीपीएड वालों को टेट से बाहर कर दिया गया था। देखिए, खेल शिक्षा जो है वो फिजिकल है, जी सर, ये टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं आता है। जो जी बिल्कुल सर, टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो अलग हैं, ये खेल हुआ, जी कला हुआ, क्राफ्ट ये, हुआ, कंप्यूटर जी सर, हुआ, ये टीचिंग वाले में नहीं आता है। जी सर, तो इनके लिए अभी तक टेट का कोई अलग से घोषणा नहीं किया गया, ना प्राविधान बना है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। वही तो सर कह रहे हैं। तो जो 2010 में टीटी लागू हुआ और पहली बार टीटी 2011 में हुआ, उस जी वक्त जो सर, टीटी या सीटीटी हुआ, उसमें बीपीएड वाले भी दिए हैं, एमपीएड वाले भी दिए हैं, कार्य शिक्षक भी दिए हैं, दूसरे जी जी राज्य के भी बिल्कुल, दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट लोग थे जिनको लग रहा था, उनको जानकारी नहीं थी, तो बिल्कुल बहुत सर, सारे ग्रेजुएट जो तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया, चलो देते हैं, वो भी दिए हैं, जी सर, तो उस वक्त ऐसे ही जिसको जो समझ में आया लगा वो दे दिया, ऐसे ही बीपीएड वाले भी दे दिए। तो जी सर, बीपीएड के लिए टेट अनिवार्य कहीं नहीं है आज के डेट में। जी सर, तो टेट अगर कभी दिए हैं, पास हुए हैं, तो भी अच्छी बात है, नहीं भी हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टेट नहीं, सिर्फ जो है बीपीएड जो ट्रेनिंग है, वो जो भी किया है वो वैलिड है, जी सर, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप अनुदेशक हैं, ऑलरेडी हर चीज करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो जी आपको सर, पता है कि हमारा अगर सुपर टेट जैसा एग्जाम होगा तो आने वाले टाइम में क्या क्या उसमें प्रश्न किस तरह के, किन विषयों से आ सकते हैं, तो जी उनकी जो है तैयारी करते रहिए। जो बीपीएड में आपने पढ़ा है वो भी पढ़ते रहिए, सामान्य जो जीएस जी के है, भाषा है, जी मैथ सर, है, इनकी भी जो है पढ़ाई जी करते सर, रहिए, क्योंकि मानक कड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, कंपटीशन बढ़ रहा है नए नए जी तरीके से। जैसे अभी देखिए एलटी ग्रेड का, जी सर, उसमें क्या हुआ कि पहले एक एग्जाम रखा गया, पहले तो मेरिट पर होता था, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे गवर्नमेंट हैं ने सर, उसको जो है फिर एग्जाम पर कराया, वहां जी भी तरह तरह की गड़बड़ियां हुई, तो जी गवर्नमेंट ने उसको सीधे कर दिया कि भाई जैसे आयोग कराता है जीआईसी जी वगैरह की भर्ती निकलती है, वहां दो लेवल पर हाँ होते हैं हाँ एग्जाम, प्री मेंस, जी, वैसे ही ये भी अब आयोग कराएगा दो लेवल पर। तो जी अब क्या होगा कि दो लेवल हो जाने से फिल्टर करने पर गड़बड़ियां करने वाले बहुत कम हो जाएंगे, खत्म तो नहीं होने वाला, करने वाले कम नहीं, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक चीज और है, इंटरव्यू डेमो। सर, तो जो अभी इंटरव्यू डेमो जो है टीचिंग में खत्म हुए हैं, आने वाले टाइम में वो कंपलसरी हो जाएंगे। अभी जैसे एक लेवल से दो लेवल किया जा रहा है, जी, इंटरव्यू डेमो भी होगा, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो या कोई भर्ती हो, जी, समझ आपकी रहे हैं किस, सर, हाँ, आप उठा करके देख लीजिए डीएसएसबी का या केवीएस नवोदय का, वहाँ भी काफी कुछ चेंज हुए हैं, बिल्कुल, दो लेवल पर होते हैं, एक जो है कॉमन पेपर हो जाता है और फिर एक सब्जेक्ट का अलग से करा देते हैं, जी, तो ऐसे ही डबल एग्जाम्स लगा करके फिल्टर करने का चल रहा है। तो कुल मिला करके वेटेज का लाभ मिल जाएगा, सर, तो चूंकि इतने साल का अनुभव है, सब्जेक्ट पर पकड़ है, वेटेज भी मिलेगा
और इसका लाभ उठाते हुए बड़े आराम से जो है, चाहे जो भी हो, अनुदेशक हो या वित्तहीन हो या कस्तूरबा वाले हो, इतने साल से पढ़ा रहे हैं सभी लोग। अरे सर, बहुत बड़ी समस्या है सर, क्या किया जाए जो है। मतलब सर 2013 से जो है सर आज तक लेकर के जो है सर 7,000 मिल रहा था, इसके बाद में अब सर जो है 9,000 हम लोगों को सर मिल रहा है। और सर बहुत बड़ी समस्या है सर, मतलब इतना झेल रहे हैं सारे अनुदेशक कि क्या बताएं सर आपसे हम। सर बहुत पीड़ा है सर, क्या किया जाए। हाँ वो तो ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी नीतियां हैं, चूंकि वो वही तो मानदेय कह रहे हैं सर, शायद बहुत पीड़ा है सर, क्या किया जाए जो है। कि मतलब सर हम लोग सर बराबर सर डेली सर स्कूल जाते हैं सर, समय से सर जाते हैं, समय से सर आते हैं सर, देखिए, बच्चों को पढ़ाते हैं सर, मेहनत करते हैं सर, हर चीज करते हैं, मानदेय लेकिन सर क्या किया जाए। मानदेय बढ़ाने की जो बात है, अभी 2,000 बढ़ा हुआ है, आगे हमें नहीं लगता है कि मानदेय बढ़ेगा, क्योंकि परमानेंट होना है। जी सर तो जब परमानेंट होगा, अभी कम से कम 6 महीने 1 साल आप लोग को वेट करना होगा। अभी सर पहले प्राइमरी और प्री प्राइमरी तो हो जाए, जी। और अभी आप लोग के हाथ में ये है कि 8 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे स्कूल को दे रहे हैं, बच गए 8 घंटे, उसमें से अगर चाहेंगे 1 घंटा भी जी निकाल करके आप जो है कुछ और करना चाहें, जैसे आजकल कमाई का बहुत अच्छा जरिया बन गया, हम सबको मोटिवेट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं भाई कि आप जो भी कर रहे हैं जी सर वो चीज़ आप दुनिया के सामने रखिए यूट्यूब पर। सर वो तो सही है सर, मतलब यूट्यूब चैनल सर सही है, बिल्कुल सही है सर, वो तो सब चल जाएगा। लेकिन सर एक्चुअली बात क्या है सर, जैसे मतलब सुबह सर स्कूल निकल जाते हैं सर, वहां से जो है जाते हैं और वहां पे जो है 8 घंटे मतलब 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, वहां से सर यहाँ आते हैं सर, थके रहते हैं सर, मतलब इतनी दूरी है जो है सर घर से स्कूल की, कि सर वहां से आने के बाद सर कुछ मन नहीं करता कि सर कुछ कर लें। चलिए, लेकिन जब आप स्कूल में होते हैं 6 घंटे 8 घंटे, उस वक्त तो आप करते हैं ना, जी सर बिल्कुल करते हैं। तो आपको हम एक उदाहरण भी बता रहे हैं और रास्ता भी बता रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जहाँ कहीं भी हम भी चर्चा करते रहते हैं, ममता अंकित, जी हाँ बिल्कुल सर, सुने हैं। वो भी जो है प्राइमरी की टीचर हैं, और हमें जहाँ तक जानकारी है, हमने उनका चैनल भी चेक किया था, एक साइट है उस पर जाकर कोई भी चैनल चेक कर सकते हैं आप। सर उनका चैनल हमने सर सब्सक्राइब कर रखा है। अच्छा, हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं जी कि सर जी उनकी मंथली इनकम जी उससे 1 लाख से ऊपर का हमें लगता है, जी बिल्कुल सर। वो कितने कमा रही हैं, गवर्नमेंट सैलरी कितने आ रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं, जो उससे एवरेज हम बता रहे हैं, हो सकता है कभी कम भी आता हो कभी ज़्यादा भी, लेकिन एवरेज आप पकड़ के चलिए, मिनिमम में गए गुजरे 50,000 तो वो यूट्यूब से कमा रही हैं। आराम से सर बिल्कुल अच्छा, सर अब वो क्या करती हैं, क्या कुछ अलग से वो डालती हैं, जी वो क्या कर रही हैं, उन्होंने चैनल बनाया, वो जो स्कूल में जी करती हैं, हाथ में मोबाइल है, उसी को वीडियो बनाकर उसी को डाल रही हैं, जी अलग से कुछ नहीं करना है। तो आप तो खेल सिखा रहे हैं ना, बिल्कुल तो सर बहुत सिंपल सा है, आप जो है थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, और जो जी स्कूल में करा रहे हैं बच्चों को उसी के वीडियो बनाइए डालिए, क्योंकि जी बिल्कुल तो ऐसा सर। है कि शुरू में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पेड़ की तरह है, बीज नहीं आप नहीं बिल्कुल सर, समझ लगाएंगे गए सर आपकी बात को हम सर। तो वो बीज जब आप लगा देंगे तो धीरे धीरे पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, उसमें थोड़ा समय लगता है, जी 4 साल लग जाते हैं लोगों को वहां तक पहुंचने में। हमारा ही जी चैनल देख लीजिए, अभी 35-36 हज़ार लोग हैं, और जी करीब 2-2.5 साल हो रहा है, जी सर जी तो जब आप पेड़ लगाते हैं तो समय लगता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब वो अच्छा फल देता है। जी तो ऐसे ही आज ही आप जो है अपना यूट्यूब चैनल, कोई पैसा नहीं लगता है, आप यूट्यूब देखते जी हैं, उसी में नीचे प्लस का सिंबल बना होता है, जी सर बस उसी को दबाना है और आपका चैनल बन जाता है, वो जो जो कहता है आगे, और आपको जी मोबाइल में वीडियो बनाना है, उसी को डालते रहना है, थोड़ा बहुत उसमें काटना पीटना और चेंज करना होता है, वो सब आप यूट्यूब से सीख लेंगे, जी बहुत सिंपल है। तो जी सर गवर्नमेंट पर आप जो है दबाव बनाएंगे, वो करेगी नहीं करेगी कब करेगी, वो आपके हाथ में नहीं है। नहीं नहीं सर, गवर्नमेंट को जो करना है सर वो तो सर उसी के हाथ में है सर, जब हाँ, गवर्नमेंट चाहेगी तभी कुछ होगा। तो इसीलिए हम बार बार सबको समझाते हैं कि भाई देखिए, जो गवर्नमेंट को करना है जी सर उसको आप देखते रहिए, आपको लगता है कि धरना करना है वो भी करिए, ना कोर्ट ना जाइए वो भी कीजिए, लेकिन जी आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, आपको अपनी समस्याओं से जूझना है, ये सब आपके व्यक्तिगत हैं, जी तो सर इसके लिए आपको व्यक्तिगत तौर पर सोचना होगा कि कैसे हम पैसा कमाएं। आज के टाइम में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जी उसका घर परिवार है, खाना पीना तरह तरह के खर्चे हैं, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, जी और पैसा कमाने के लिए एक रास्ते नहीं, 1,000 रास्ते हैं, जी बस ये कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो जब टीचिंग फील्ड में है तो उसी संबंधित जो कर सकते हैं कीजिए, यूट्यूब पर आइए,
नहीं, बिल्कुल सर, सर आपने कहा जो है सर, ऐसा जो है तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा अब करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ये ध्यान दीजिए कि आप जो कह रहे थे कि घर पर आने के बाद जो है थके रहते हैं, बहुत जी सारे सर काम बिल्कुल सर, रहते बहुत हैं, थकान रहती है सर, वही कह रहे हैं सर जो है। लेकिन सर आपने जैसा कहा जो है कि जैसे मतलब जो विद्यालय में सर जो जो गतिविधियां हम विद्यालय में सर करते हैं, वही वही चीज उठा के हम सर यूट्यूब पे पोस्ट कर दें। बस कुछ नहीं करना, वही रिकॉर्डिंग करना, बस जैसे आप अपने यहाँ घर में देख रहे होंगे अपनी श्रीमती जी को, अपनी बहन को, अपनी माता जी जी को, कि बिल्कुल 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 सर, वो रसोई में काम करती हैं, जी सर, और रसोई में काम करने के लिए आप देखे होंगे रिक्शे वालों को या कोई जीप जी को, वो रात में कहीं भी जो है अपना चूल्हा जलाकर दो चार बर्तन रखा रहता है, उसी में खाना पकाकर खा लेता है। खा लेते हैं सर, सही यानी में कि दो चार बर्तन में खाना पक जाता है, लेकिन हमारे आपके घर में जो रसोई है उसमें सैकड़ों बर्तन हैं। जी सर, सही कह रहे हैं। तो फर्क क्या है, खाना तो दो चार बर्तन में भी हो सकता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम तरह तरह के जो मार्केट में सामान मिलते हैं, बर्तन अलग अलग तरह के, अलग अलग यूज वाले, उनको जी उठा के सर, ले आते हैं, और आज रसोई में बहुत सारे हो गए। ऐसे ही जब आप किसी फील्ड में बढ़ते हैं तो तरह तरह के टूल्स होते हैं, जैसे खेल जी सिखाना है तो अलग अलग खेल के लिए अलग अलग चीजें हैं, फुटबॉल खेलना है तो उसके लिए फुटबॉल चाहिए, जी बिल्कुल सर, हाँ और वॉलीबॉल खेलना है तो उसके लिए बॉल अलग होती है, बॉल अलग होती है, अलग क्रिकेट का बॉल अलग है। हो सही है, हाँ बैडमिंटन का अलग है, खो हाँ तो खो का ऐसे अलग है, ये सब मतलब सारे खेलों का जो है सब सारा सिस्टम अलग अलग है। अलग है, तो ऐसे जी ही सर, जब यूट्यूब पर आप या वीडियो बनाना आप शुरू करेंगे तो उसके लिए भी तरह तरह के टूल्स की जरूरत होगी। जी सर, तो अभी फिलहाल हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, यही काफी है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में तरह तरह के टूल्स मिलते हैं। जैसे आपको मोबाइल को कहीं भी खड़ा करना है अब तो उसके लिए स्टैंड आ गया है, 200-300 रुपये में स्टैंड आ रहा है, जी सर, ट्राइपॉड बोलते हैं उसको। जी सर, जी सर, और भी तरह तरह के हैं, आप जा कर के मार्केट में या फिर ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे खोजिए, तरह तरह के टूल्स हाँ हैं, तो वीडियो बनाना शुरू कीजिए, उससे संबंधित टूल्स लेते जाइए, धीरे धीरे पैसा थोड़ा थोड़ा खर्च करते जाइए। जितने जी भी सर, यूट्यूबर हैं आप उनका देखेंगे हिस्ट्री, वो अपना बताते रहते हैं कि उन्होंने जब जी शुरू सर, किया था तब वो उनके पास क्या क्या था, फिर जैसे जैसे वो पैसा कमाने लगे आगे बढ़ते गए तो फिर उन्होंने क्या क्या बदलाव किया, क्या क्या खरीद के लाया, और अब वो प्रोफेशनल हो गए हैं। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं तो आप जो देखिए आज का टाइम मल्टी टैलेंटेड का है, जी, आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को रखना है। आप किसी हीरो को देख लीजिए, पहले के ज़माने में कोई हीरो एक्टिंग करता था तो सुनने में आता था इसको तो डांस नहीं आता, ये डांस करता ही नहीं है, जी बिल्कुल सर, लेकिन सही कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय हाँ के साथ ऐसे भी हीरो आए जो एक्टिंग भी बढ़िया कर रहे थे, डांस भी बढ़िया कर रहे थे, गोविंदा जैसे लोग आए और पूरा इतिहास जी ही बदल दिए। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं तो क्या हुआ, ये कैसे गोविंदा भाई सर, काम ये आता है? सर ये अपना परिश्रम है, अपना मेहनत है सर, तो उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने स्किल को और बढ़ाया, नई नई और चीजें, बढ़ाया सर फिर, हाँ हाँ नई नई चीजें की। तो अब जो डायरेक्टर है उसको ऐसे ही लोग चाहिए ना जो वो जो भी कराना चाहे कर सकें। जी तो गोविंदा ऐसे करते करते हिट हो गए, जी सर, सही कह रहे इन हैं कॉमेडी डांस सब वो करते थे, जी, आज भी करते हैं हर तरह से। तो ऐसे ही जब टीचिंग में आ गए हैं, कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, तो सिर्फ सब्जेक्ट के मास्टर मत बनिए, अन्य सब्जेक्ट पर भी कमांड थोड़ा बनाइए, और साथ ही दुनिया के सामने रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, जी सर, जी सर, यूट्यूब वगैरह वीडियो कैसे बनाते हैं, उसकी एडिटिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें सीखिए, यूट्यूब पर सब सिखा रहे हैं लोग। तो जैसे जैसे आप अपने आप को दुनिया के सामने रखेंगे ना जी सर, तो इनकम बढ़ती। एक बंदा है काला सा है, किसी दूसरे जी देश का है, जी जी सर, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पर नंबर वन पर वही है, भारत। अरे सर नंबर वन की बात सर कर रहे हैं जो है कि सर, हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारे विद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा, कक्षा 8 सर हमारे यहाँ से पास किया हुआ, और इस समय जो है वो बलरामपुर MLK में सर जो है पढ़ रहा है, और सर यूट्यूबर बन गया है। यूट्यूबर पे सर जो है मतलब वो कम से कम जो है 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ उसके आ रहे हैं बड़े आराम से आ रहा होगा। सर यूट्यूबर पे सर। केवल इलेक्ट्रीशियन का मामला, वो जो है वो केवल इलेक्ट्रीशियन का मामला बता रहा है अरे जो आपके आसपास प्लम्बर हो या जी इलेक्ट्रीशियन जो घर में अनपढ़ हैं, आते हैं बिजली बनाते हैं, इनके चैनल जी बने हुए हैं यूट्यूब पर। जी एक गाड़ी धोने वाला, एक नित्तो राय है, बिहार का है, जी 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 सर, वो गाड़ी धोने का काम करता है, पहले बहुत सारे काम उसने किए हैं, अभी फिलहाल वो गाड़ी धोने का काम करता है। जी अब बताइए गाड़ी धोना कौन सी बड़ी चीज़ है, वो वीडियो बनाता है उस पर, और उसके फॉलोअर्स देख लीजिए आप फेसबुक पर, देख लीजिए यूट्यूब पर देख लीजिए, और वो जी कितना कमाता है वो बताता है यूट्यूब से, अपना जी लाखों रुपए सर, कमा रहा है। और हम जी जिसकी सर, बात कर रहे थे, वो पतला दुबला लंबा सा, उसका नाम हमें नहीं इस वक्त याद है,
काला, जी सर बिल्कुल काला है, कोयला कह जी लीजिए, वैसा काला है वो। और उसने अपनी हिस्ट्री बताई थी, तो उसको जगह जगह से काम से निकाल दिया गया था। जी तो उसने अपनी जर्नी शुरुआत की, जब वीडियो बनाया तो पहला वीडियो जो उसने बनाया तो सिर्फ दो लोगों ने देखा, उसके एक भाई ने देखा, उसके पापा ने देखा, और ये सिलसिला चलता रहा। शुरू में सिर्फ दो ही लोग देखते थे, और आज ये है कि जी विश्व में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर उसी के पास हैं, और नहीं आज सही कह उसकी रहे हैं सर इनकम, आज उसकी इनकम अरबों में है, और उसकी भाषा जो है वो जी सर सार्वजनिक भाषा है, जो एक बच्चा भी समझ जाए, साइन लैंग्वेज है, वो सही बोलता ही नहीं है, है न हिंदी, न सर उर्दू, न फारसी, न चाइनीज, न इंग्लिश, कुछ हाँ नहीं, हाँ हाँ वो साइन लैंग्वेज, वो इशारे से हर चीज अपने वीडियो बनाता है। जी सर उसके वीडियो आपने भी कभी न कभी देखा होगा, अभी नाम हमें नहीं याद आ रहा है, किसी ने कोई काम किया है उसी को वो चीज और आसान तरीके से करके इशारे से हर चीज एक्सप्लेन करता है। जी तो साइन लैंग्वेज तो दुनिया का कोई कोना हो सब समझता है, अनपढ़ भी समझता है, पढ़ा लिखा भी समझता है। जी जी तो उस कुछ नया सोचा ना, कुछ अलग किया, और आज जी विश्व में नंबर वन पर है। नहीं सही कह रहे हैं सर जो है, लेकिन सर मतलब थोड़ा ये समस्या सर हो रही जो है कि सर हम लोगों का भी समाधान सर कुछ हो जाता है अगर तो सर बेहतर हो जाती। देखिए, आपका समाधान का क्या है गवर्नमेंट के प्लानिंग में, वो सब हमने बता दिया। अब नहीं सर वो तो सर आप कह दिए स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आपको अपने बारे में सोचना है। आपको जो जॉब कर रहे हैं वो करना भी है, पढ़ाई भी करना है, और अपनी इनकम भी बढ़ानी है। तो इनकम बढ़ाने का तरीका ये कि आप कोचिंग, ट्यूशन कुछ कीजिए, यूट्यूब कीजिए, या कोई और काम धंधा कीजिए। अब इसमें आप अपना सेलेक्ट कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम किधर जाना चाहते हैं। जी सर और सबसे बेहतर होता है कि एक फील्ड में ही रहना। आप अगर टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, खेल कूद वाले में आ गए हैं, तो हमें जी लगता है खेल कूद पर आप वीडियो बनाएंगे, और अगर आप धीरे धीरे, कोई परफेक्ट शुरू से नहीं होता है, जो भी आया है, जी पहले नौसिखिया ही था, फिर धीरे धीरे परफेक्शन आया है, तो सर आप जब शुरू करेंगे और आप देखेंगे 6 महीने 1 साल बाद, आज हम आपसे कह रहे हैं, और आप जब शुरू कर देंगे मात्र 6 महीने 1 साल में आपके जी पास लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैंने सही कह रहे हैं सर अब जैसे है स्कीपिंग, रस्सी कूदना, जी अब रस्सी कूदने का भी कई तरीके हैं, एक सामान्य जो हर कोई करता है, उसमें जी भी अलग अलग है, तो आप उस पर भी आप बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, जी आप जो सर है वॉलीबॉल या फुटबॉल या जो भी गेम बच्चों को खिलाते हैं, शतरंज हुआ, बैडमिंटन हुआ, जो भी, तो वो भी आप जो है वीडियो बनाएंगे, आप गाइड करते हैं बच्चों को, वो सब। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको टीचर की जरूरत है लेकिन उनको मिल नहीं रहे हैं, तो वो यूट्यूब वगैरह से सीखते हैं, जी सर तो वीडियो आपके बहुत सारे लोग देखेंगे। और आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के साथ साथ अंबानी ने दे रखा है सबको 1-2 GB का डाटा, सही तो कह रहे हैं सर आप दूसरे का छोड़िए, अपने और अपने घर का ही देख लीजिए, जी सर ये चाहे घर का कोई सदस्य हो, खाली होने के बाद वो क्या करता है, या तो फेसबुक खोलेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, यूट्यूब खोलेगा, यही सब तो कुछ ना कुछ खोल के वो टाइम पास करता है। बस बस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं व्हाट्सएप वो फेसबुक जब हाँ ये सब खोलते हैं तो वो जब यूट्यूब टाइम पास देखते हैं करता है तो किसी न किसी का कुछ तो देखता है वो। तो अब यहाँ पर आपको तय करना है कि आप देखने वाले बनना चाहते हैं या दिखाने वाले। देखने वाले बनेंगे तो आप बस रोज अंबानी का डाटा खत्म करेंगे, भैया खत्म करो, नहीं तो अंबानी अमीर हो जाएगा। सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और नहीं सर दूसरा, देखने वाला सर नहीं बनना है सर दिखाने वाले बनना है यही है, दिखाने वाले तो जितने भी हैं, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन, ये दिखा करके ही तो पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल सर चाहे वो ममता अंकित हो, चाहे हम अभी जिसकी बात कर रहे थे, चाहे जो भी हो। आप जब किसी को देते हैं कुछ, तो ही जी आपको उसके बदले कुछ मिलेगा, और आप जब वीडियो दूसरों को ही देखेंगे तो आप दे कहाँ रहे, आप तो ले रहे हैं, उससे कहाँ से कुछ लाभ होने वाला है। तो हमेशा देने की कोशिश कीजिए, तो जो ज्ञान है आप अभी से, आज से सोचना शुरू कीजिए। यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो देखिए जो सिखा रहे हैं, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, उस पर जी क्या क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी 2-4 चैनल को फॉलो कर लीजिए, उनके सारे वीडियो देखिए, उनकी बातें सुनिए, और वही चीज़ बिल्कुल आप भी सर कीजिए। और दूसरे के वीडियो देख करके एंजॉय मत कीजिए, दूसरे के वीडियो देख करके ये देखिए वो कैसे बना रहा है, वो क्या कर रहा है, तो बस आपकी लाइफ यहीं से चेंज होनी शुरू होगी। हमने जब चैनल अपना शुरू किया था, लॉकडाउन था उस वक्त, जी सर बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, लॉकडाउन में हर कोई घर में था, स्कूल बंद था, कोचिंग बंद था, हम भी फ्री थे एकदम, न स्कूल जाना न कोचिंग, तो बैठे बैठे ऐसे ही लोगों से बातचीत तो होती रहती थी, चर्चा होती रहती थी, कॉल पे ही जी बात सर होती थी, कभी कभी कुछ अच्छी बात होती थी तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग शेयर करते थे। लेकिन ऐसे ही दिमाग में जी आया यूट्यूब का, और देखिए हमने 2 साल 2.5 साल पहले शुरू किया था, और आज कितने लोग, 35-36 हज़ार लोग जुड़ गए हैं ना। सर जी सर
तो समय के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते ही जाएंगे, बस आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हमें कुछ मिल रहा है। और 7 अरब से ज्यादा आबादी है पूरे विश्व की। सही है सर। अब 7 अरब में से आपको क्या 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग भी नहीं मिल पाएंगे, बड़े आराम से मिलेंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे सर। अरे अब कोई सर, आप ही के बारे में, सर आप ही के बारे में सर इतना चर्चा हमने सर सुना है, और सर मतलब सभी लोग जो है मतलब आपकी चर्चा कर रहे हैं कि सर अगर आप सर चाहते तो मतलब कुछ भी बन सकते थे आप। आप अगर चाहते सर तो आप कुछ भी बन सकते थे, लेकिन सर आपकी मतलब क्या नहीं थी, क्योंकि आप जो है मतलब जिसके प्रति जो है सर, कोई बीएड हो या बीटीसी हो या कोई भी शिक्षक हो, विद्यविहीन हो, अनुदेशक है, शिक्षा मित्र हो, कोई भी हो, आप सबके लिए जो है मतलब सारी चीजें सब देख रहे हैं, सारी सुविधा मतलब सारी बात चीज सब कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं। तो अब उसके लिए जो है मतलब हम नहीं सर कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो मतलब आपसे सर जुड़े हैं सर जितने लोग सर, वो है आपके साथ बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं सर, हमने भी सुना है सर आपकी प्रशंसा को। देखिए, होता क्या है कि हर इंसान की अपनी कुछ सोच होती है और जी कुछ सर, परिस्थितियां होती हैं, ठीक जी है। सर, जी सर, तो परिस्थितियों को देख करके चलना पड़ता है, और हम जो सोच रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या संभव है, उसको देख के। तो हमें जी जो है टीचिंग फील्ड में आना था, हम टीचिंग में आ गए, बीएड सर, कर लिया। अब हम ये सोचें कि नहीं, हम बैठे रहेंगे, जब तक हमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा हम तब तक कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी मूर्खता होती। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। जैसे हमने कर लिया, उसके बाद जब हमें मौका मिला प्राइवेट में या संविदा पर या जहाँ भी पढ़ाने का, जो भी कोचिंग भी हमने किया, वो हम करते चले गए। अभी हम, चूंकि हम आए हैं शिक्षा देने, ज्ञान देने, लोगों को गाइड करने, तो वही जी चीज जो है, ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ बच्चों को ही, किसी को कर सकते हैं। तो बस ये है कि हमने देखा यहाँ पर तरह तरह संगठन बने हुए हैं, लोगों को जो है जानकारी नहीं है उसका फायदा उठा के तरह तरह की चीजें उल्टे सीधे कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो बस हमने जो है लोगों को, दो चार लोगों से पहले अपने करीबियों से बातचीत होती थी, फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ते चले गए। तो बस वही चीज हम जानकारी दे रहे हैं, जिसको समझ में आ रही है तो उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको खराब लगता होगा। पर नहीं सर, पर नहीं, सर हर हम तरह के लोग भी सर लोग आपसे हैं। जुड़े हैं सर, आपके चैनल से सर काफी दिन से सर जुड़े हैं, लेकिन सर मतलब सर जितनी चीजें सर आपकी आ रही हैं जो है सर, जो आपने सर जितनी बात सर आपने कहा वो सारी बात जो है सर सामने आ गई और सब रियलिटी में आई है, मतलब सर कोई इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं, ना सर हमारे कहने सर कुछ होने वाला है, लेकिन सर जो जो बात सर आपने कहा सर वो बात मतलब होती चली गई, और सर इसीलिए जो है सर आपकी सर इतनी प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं सर, जहाँ कहीं जाओ बस केवल वही आपका सर नाम ले रहे हैं, टीपीए हम टीपीए तो, टीपीए, बस केवल सर वही का नाम चल रहा है। चूंकि है क्या कि हर व्यक्ति, कोई बीपीएड कर लिया, कोई एमपीएड कर लिया, कोई बीएड कर लिया, कोई बीटीसी कर लिया, कोई डीएलएड कर लिया, कोई शिक्षा मित्र बन गया, कोई अनुदेशक बन गया, कोई वित्तहीन है, कस्तूरबा, सब कर तो लिए, चले तो गए, लेकिन जी सर, सब लोग उन अंधों की तरह ही हाथी को देख रहे हैं। जो अंधे गए थे हाथी देखने और टच करके देखे, तो सबने कुछ पकड़ रखा है, कोई पैर पकड़ रखा है, कोई सूंड पकड़ रखा है, जो जिस चीज को पकड़ जी रखा है उसी को हाथी समझ रहा है। सर, जबकि शिक्षा विभाग पूरा एक है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, चाहे राज्य की हो, चाहे केंद्र के स्कूल हो, चाहे राज्य के, पूरा सिस्टम एक है। जैसे जी अभी सर, देखिए कि अपने यहाँ परिषदीय जी स्कूलों में बच्चों के जो है ईमेल आईडी बनवाए गए हैं, जी बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। तो जो लोग स्कूलों में हैं, जो बनवा रहे थे, जो ऑर्डर हुआ, तो लोगों के लिए ये चीज नया है, लेकिन मेरे लिए ये नया नहीं है। क्योंकि नहीं है हमने सर, ये देखा है, ये काम जो है, जिस वक्त हम 2013 में जब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो वहां पर ये ऑर्डर आया था कि सभी बच्चों का ईमेल आईडी बनाना है। तो बच्चे तो ये सब नहीं जानते हैं, तो हम लोग बैठ करके उनका ईमेल आईडी बनवाते थे और पासवर्ड खुद ही बना करके उनको कॉपी में लिखवा देते, बेटा ये तुम्हारा ईमेल आईडी है, ये तुम्हारा पासवर्ड, इसको सुरक्षित रखना। और हम लोगों ने उस वक्त बनाया, तो वो जो है वहां पर शुरुआत हुई थी, और वही चीज अब राज्य सरकार भी लागू कर रही है। जी सर, हमारे लिए तो वो चीज नया नहीं है, तो हम तो पहले से जानते हैं, और जब कोई पहले से कोई चीज जान रहा होता है वही तो लोगों को जानकारी देगा। जी सर, तो हमने देखा है केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और प्राइवेट स्कूलों में, जहां जहां हमने पढ़ा है, जो चीज हमने वहां देखा है, तो जो अच्छी स्कीम है वही चीजें धीरे धीरे गवर्नमेंट वहां से लेकर के यहाँ पर आ रही है। कोई कहता है कि जो है दिल्ली में केजरीवाल का नकल कर रहे हैं, कोई कहता है उनका नकल कर, कोई नकल नहीं है, कोई अच्छी चीज कहीं कोई किया है उसको देख कर अपने यहाँ लागू करना, यही तो है आगे बढ़ने की प्रक्रिया। सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भाई दुनिया में अच्छा बुरा सब है, अच्छी सही है चीजें सर, हर व्यक्ति के अंदर है, हर जगह है, उन अच्छी चीजों को हमें लेना है, जो अच्छी चीजें नहीं है उन्हें छोड़ते चलना नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर हाँ हम इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, तो हम एक दिन बहुत सारी अच्छी चीजें करने लगेंगे, देखने लगेंगे, और मेरे अंदर बहुत सारे अच्छे हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीजें ही हर जगह देखेंगे, अरे योगिया तो ये कर दिया, अखिलेश ये कर दिया, सिर्फ नेगेटिव देखना शुरू कर दें,
नहीं सर, निगेटिव सोच कभी मत करना। तो नेगेटिव देखने से, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता है। हाँ, जानते रहिए, जानकारी रखिए क्या सही है क्या गलत है, गलत को भी जानिए, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको देख करके। तो नई नई चीजें गवर्नमेंट लेकर आ रही है, हम जी उनको बिल्कुल सर, पहले नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में देख चुके हैं, और वही जी चीजें यहाँ सर, हो रही हैं, तो हमें पहले से जानकारी है, इसलिए हम थोड़ा सा उन चीजों को एक्सप्लेन करते रहते हैं। बाकी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है, हमने RTI एक्ट पढ़ा है, जो न्यूज आते हैं सब पर हमारी नजर रहती है, हम सबकी जानकारी रखते हैं, तो बस वही सब चीजें हम चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं। नहीं सर वही तो हम, मतलब जब ये सर ये आई थी जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की, मतलब वो हमारे पास सर PDF आई, और सब सर जैसे हमने सर उसको खोल के देखा तो उसमें जो है सर 5.5 बिंदु पर जो है उसमें सर नीचे लिखा था कि मतलब जितने अनुदेशक हैं सर जो है सब सारे अनुदेशक जो है सर उसको मुख्य विषय के रूप में माना गया है। और इसके बाद में जब सर उसको मुख्य विषय के रूप में माना गया है तो सर मतलब इसमें सर करने में क्या दिक्कत प्रावधान जो मतलब सर नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर समस्याओं की बात की जाए गवर्नमेंट पर, तो एक उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कल आप परमानेंट हो जाइए और जी आपके जो है वेतन मान लेते हैं 50,000 हो गया, जी सर, ठीक है। आपकी इच्छा है कि घर में जो है 4 चक्का गाड़ी होना चाहिए, श्रीमती जी की इच्छा है कि एक गले में जो है हीरे का हार होना चाहिए या सोने का हार होना चाहिए, हाथ में हीरे की अंगूठी होनी चाहिए, बच्चे की इच्छा है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, जी सर, माता जी पिताजी की इच्छा है कि एक थोड़ा बड़ा घर होना चाहिए। जी तो सर, आप बताइए, जब आपको पहले महीने 50,000 वेतन आएगा, इसमें से क्या सारे काम हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। यानी आपको सबकी इच्छाओं को ध्यान में रख करके और उसके बाद बजट को ध्यान में रख करके धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। फिर हमें घर कोई काम करना होगा। हाँ, कुछ काम ऐसे होंगे जो कम बजट वाले होंगे वो जल्दी हो सकते हैं, कुछ काम बड़े बजट वाले होंगे जैसे घर बनाना, गहने, गाड़ी, ये बड़े बजट के, इनके लिए समय देना पड़ेगा, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। जी सर, घर के लिए हो सकता है अभी आप जो है कुछ पहले से पैसा इकट्ठा हो, फिर जब आपको जो है परमानेंट नौकरी हो जाए तो आप जो पैसा इकट्ठा उसके लिए उतना लगा कर जमीन खरीद लीजिए, चलो कम से कम जमीन तो खरीद लें। जी सर, यानी फिर धीरे धीरे एक एक दो दो कमरा बनाते रहेंगे, यानी धीरे धीरे काम चलता रहेगा। कुछ काम ऐसे होंगे, गाड़ी खरीदना, वो धीरे धीरे नहीं हो सकता, उसके लिए इकट्ठा पैसा चाहिए, वो आपको इकट्ठा करना होगा, जब खरीदेंगे तब उसमें समय लगेगा। तो जी ऐसे ही गवर्नमेंट के भी इनकम होती है, हर वर्ष आते हैं, और तरह तरह के खर्चे अलग अलग मद हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है घर में खाने पीने पर, कपड़ों पर, पढ़ाई पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, दवाओं पर खर्च करता है अलग अलग, जी करता है, ऐसे ही सरकार भी करती है, हर वक्त अपना हर साल अपना बजट बताती है कि हम कहाँ कितना खर्च करेंगे। जी सर, तो वो शिक्षा पर भी अपना बजट तय करके चलते हैं। अब उस बजट के हिसाब से क्या क्या इस साल संभव है, फिर अगले साल हम क्या करें कितना करें, इस हिसाब से वो करके चलते हैं। तो कोई भी चीज़ अचानक एकदम नहीं, बूम वाली स्थिति नहीं आने वाली, देखने को नहीं मिलेगी, धीरे जी धीरे सर, होगी। हाँ, ये है कि जब योजना बना करके कोई काम किया जाता है तो जी समय जरूर लगता है और वो हो जाता है। जैसे स्कूलों में फर्नीचर नहीं था, बच्चे जमीन पर बैठते थे, अभी देखिए बच्चे फर्नीचर में मिल गया है, उस पर बैठ रहे हैं। जी तो सर, ये एक साथ संभव नहीं था, क्योंकि प्राइमरी स्कूल 1,57,000 थे, तो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है 25,000 स्कूल को हम दे सकते हैं, हमारा बजट अलाउ कर रहा है, तो एक काम जी करते हैं हर साल 25-25,000 को देते हैं, जी सर, और धीरे धीरे करते करते पिछले 5 साल में 25-25,000 करके लगभग 1,25,000 स्कूलों को मिल चुका है, हाँ, और आगे भी मिलता रहेगा। मिलता ऐसे ही रहता है। इस अभी इन्होंने बजट बनाया है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, जी सर, अभी भी प्राइमरी स्कूलों में एक ही कमरे के अंदर 2-3 कक्षाएं चलती हैं बहुत सारे स्कूलों में। जी तो अब बजट नहीं है इतना कि एक ही साथ किया जा सके, तो लक्ष्य रखा है कि अगले 5 सालों में ये लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे, यानी कि हर जिले में अगर वो 25% लेकर चलें या 20% स्कूलों को लेकर चलें, अगर 1,000 स्कूल है तो मान के लें कि 1 साल में 200 स्कूल में हम कमरा बनाएंगे, तो ऐसे करते करते 5 साल में वो बन जाएगा। तो गवर्नमेंट भी अपना बजट देख करके उसी हिसाब से हर चीज तय करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया 2020 में, जी उसमें बहुत कुछ है, सब कुछ एक साथ संभव नहीं है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अभी आप देखिएगा कि मात्र 6 महीने के अंदर ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी वाला, इसमें लाखों भर्तियां गवर्नमेंट करेगी। करेगी, सही है कुछ सर, सी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा रोक करके समय के साथ जो है, जैसे गाड़ी खरीदना है तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर जब पैसा इकट्ठा होगा तब एक दिन गाड़ी खरीदेंगे, तो एक दिन में वो गाड़ी नहीं आया है, वो गाड़ी आने में समय लगा है। लेकिन जो घर बनाना था वो धीरे धीरे आपने जमीन खरीदा, एक कमरा दो कमरा बनाया, तो जी ऐसे ही जो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट लगातार कर रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो भर्तियां हैं इतने बड़े पैमाने पर करना है सबको, उसके लिए सब कुछ सुधार करते हुए अब पूरी तैयारी हो गई है। अब एक साथ घोषणा करके
वो भर्तियां करने जा रही है, जैसे अभी बिहार का परसों का न्यूज है, 1,65,000 वहां पर जो है सातवां चरण शुरू होने जा रहा है, एक लाख पैंसठ हजार को लेंगे वहां पर। जी बिल्कुल सर, त्रिपुरा का है कि चरणबद्ध दुर्गा पूजा तक सबको करेंगे, तो सब कुछ हो रहा है, बस धैर्य रखिए। जी सर ठीक है बिल्कुल सर। और सर ये क्या, हेलो सर, हाँ जी सर ये बता, आपकी आवाज कटने लगी, ये जो है, आपकी आवाज कटने लगी। हेलो सर, हाँ बोलिए सर जैसे ये कह रहे हैं जो है कि मतलब जो सर आपने ये कहा था कि सर 2011 से जितने वो है टेट वाले, तो सर उनको जो है सर प्री प्राइमरी में सर ले लिया जाएगा। शिक्षा मित्र जो कि ट्रेंड है, नहीं सर 2011 से जितने टेट से सर मतलब सर आपका वो सर आ रहा था सर, देख रहे थे हम जो है, तो सर आज तो सर आपकी ने सर कहा था जो है मतलब कि सर 2011 से लेकर के अब तक सर जितने टेट हैं सर सबको जो है प्री प्राइमरी में ले जाएगा। नहीं, प्री प्राइमरी में ट्रेंड को लिया जाएगा, वहाँ पर टेट अनिवार्य नहीं है, और जो टेट वाले हैं उनको प्राइमरी में लिया जाएगा। अच्छा अच्छा सर ठीक है, चलिए अभी रखते हैं, थोड़ा सा कुछ काम भी है हमें, और काफ़ी लंबी बात होगी, फिर बात होगी। ठीक सर, ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर।